Hello guys, welcome back to Ambrose Reactions. This is Rehan. Hello guys, this is Bulbul. So we are back again with Q&A. This time हम Q&A करने वाले हैं. Q&A का अनाउंसमेंट हमने किया था, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था 2 मिनट का, जिसमें आप लोगों से बोला था कि आपको जो भी क्वेश्चंस करना है आप कर सकते हैं. आप अभी भी देख सकते हैं वहाँ पर क्वेश्चंस कुछ लोगों ने किए, लेकिन अब नहीं कर सकते आप क्योंकि अब वीडियो हम बना रहे हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, करीब करीब 200 क्वेश्चंस आए. इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन है, सिमिलर है. तो अगर किसी का नाम बोलना रह जाए तो कोई भी माइंड मत करना है प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर है. तो मुझे लगता है कोई ना कोई तो रह जाएगा नाम लेने में. वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे, जवाब ज़रूर मिल जाएगा. वैसे हम कोशिश पूरी करेंगे कि सबका नाम ज़रूर ले लें, भले ही हम उसका क्वेश्चन का रिप्लाई ना करें, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. वैसे ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में बने, अभी कुछ डिसाइड नहीं है. वीडियो अगर ज़्यादा लॉन्ग हुआ तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन है मोहम्मद आमिन का, फेवरेट स्पोर्ट, कलर, फूड एंड पर्सनैलिटी. तो पहले मैं बता देता हूँ, पहला है मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, कोई भी इंडियन बंदे का. और कलर ब्लैक, फूड चिकन में कुछ भी ला दो ये वेजिटेरियन वैसे. एंड पर्सनैलिटी शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है. शाहरुख खान का मैं मतलब बचपन से फ़ैन हूँ. मतलब बचपन में उसे जब 2-3 मूवी थी उसमें वो विलन बना था, वो मर जाता था ना तो मैं बहुत रोता था सच में, लोग मुझे चिढ़ाते थे. मतलब वो कोई मूवी थी ना बाजीगर में, वो मर जाता है एंड में. तो उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है. क्योंकि सबसे बड़ी बात कि उसकी फैमिली को जिस तरह से उसने हैंडल किया है वो कोई नहीं कर पाता आज के टाइम में. बॉलीवुड, दूसरे बॉलीवुड स्टार्स को देखोगे तो सब ने डबल डबल शादी कर रखी है. और वो मतलब जब ज़ीरो था वो, तब से वो उसकी वही वाइफ है और आज भी वही वाइफ है. और बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली है उसकी. और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं. अब तू बता तेरा फेवरेट स्पोर्ट. मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट. और कलर है मेरा ब्लैक और ब्लू फेवरेट. food. और फूड में लाइक वेजिटेरियन हो तो सभी अच्छा लगता है खाने में, बट ऐसे फेवरेट तो भिंडी हो गया. और दाल चावल सबसे फेवरेट चीज़ है. और फेवरेट पर्सनैलिटी ऐसे तो कोई मुझे फेवरेट, मेरे को कोई पसंद तो नहीं है, बट हाँ एक्टिंग वाइज देखा जाए तो मुझे रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा पसंद है. रणवीर सिंह सच में बहुत सही बंदा है. शाहरुख के बाद मुझे भी वही पसंद है. बहुत सही. हाँ. और सेकंड क्वेश्चन है, बुलबुल आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हो? अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं है कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, बट अगर हुआ भी तो अंडरस्टैंडिंग हो. और देखो यार, हाँ बोल. केयर करने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग हो और लविंग हो. और सबसे मेन बात ट्रस्ट कर सके जिसपे. हाँ, ट्रस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है. और लॉयल्टी बहुत ज्यादा, भरपूर रोमांटिक हो. बस कंट्रोल. लॉयल होना चाहिए सबसे बड़ी बात. लॉयल प्लस ट्रस्ट होना चाहिए. रोमांटिक हो तो वो बहुत से ऐसे रोमांटिक रहते हैं ना जो लॉयल नहीं रहते. सिर्फ मेरे लिए हो, इसके लिए हो, लॉयल हो. सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10K सब्सक्राइबर्स. ये चैनल का नाम ही 10K सब्सक्राइबर्स है. भाई प्लीज़ मेरे चैनल फ्री में प्रमोट कर दो. भाई आप ईमेल करो मुझे, ईमेल. इनका एक और क्वेश्चन है, ब्रो आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हैं और बुलबुल क्या करती है? तो यूट्यूब के अलावा हमारा फैमिली बिजनेस है, टेंट का बिजनेस है, कैटरिंग का बिजनेस है. तो हम वही संभालते हैं. और बुलबुल मैं तो जॉब करती हूँ. बुलबुल जॉब करती है, स्टडी करती हूँ, साथ में स्टडीज भी चल रही है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कादिर शाह का, क्या आप सच में पाकिस्तान आना चाहते हैं? अगर हाँ तो कब? आपने आर्मी वीडियो पे रिएक्शन करना बंद क्यों किया? तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, पाकिस्तान आना तो हम चाहते हैं, बट हमारे मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे ऊपर बड़ी अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे अभी पूरी करना है. तो वो सब चीज़ों से मैं फ्री होकर ही आ पाऊँगा सच कहूँ तो. और मैं तो पाकिस्तान, तो मैं जब आऊँगा ना ये मेरे साथ ही आएगी. तो वही क्वेश्चन है, अकेले नहीं आएगी. अकेले नहीं आ पाऊँगी.
एक इनके इन्होंने ये पूछा आर्मी वीडियो पे रिएक्शन करना क्यों बंद किया, तो आर्मी वीडियो पे रिएक्शन हमने किया है और आई थिंक हम करेंगे फ्यूचर में भी। अभी हमने इसलिए रोका है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है कई वीडियोज़ में जिसका शायद हम कुछ बोल जाते तो आप लोग हर्ट हो जाते हो, और आप कुछ वो वीडियो में कुछ ऐसा आ जाता है जिससे हम हर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर मेक लव नॉट वॉर बोलते हैं सबसे पहले, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आर्मी वीडियोस पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो वहाँ से बात वही गर्मा गर्मी वाली हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड की कोई ना कोई बात से दोनों साइड ही अग्री नहीं करती है। तो फिर हम आप सबको पता ही है जो भी बोलते हैं वीडियो में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम अच्छा बनने के लिए कुछ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं अच्छा बनने के लिए, हम जो भी होता है रियल बोलते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि अभी रिएक्शन नहीं करते हैं, फिर से कुछ दिनों बात करेंगे अभी, क्योंकि हम कंटिन्यू उस पर ही आर्मी पर ही रिएक्शन कर रहे थे ना, तो हमारे सब्सक्राइबर को और कुछ चाहिए ही नहीं था, और बहुत सारे जो दूसरी चीज़ें पसंद करते वो हमें अनसब्सक्राइब करने लग गए थे कि यार तुम क्या है, तुम प्यार की बात करते हो एक तरफ, दूसरी तरफ ये आर्मी वाले वीडियो पर रिएक्शन करते हो। तो इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा खान, यार आप पबजी खेलते हो? पबजी मैं तो खेलता हूँ, इसका पता नहीं, मैं नहीं। अभी वीडियो वायरल हो रहा है दो लड़कियों का कपिल शर्मा में, हाँ, वो दोनों सेम बोलती हो, हाँ। मैं तो खेलता हूँ, इसका पता नहीं। नेक्स्ट वीडियो है बुलबुल एज, मेरी एज 23। हाँ मुझे लगा कि ये बोलेगी कि लड़कियों से एज नहीं पूछते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिसेंटली मेरा बर्थडे था 18 जुलाई, अभी लास्ट इसका बर्थडे गया है 18 जुलाई। 23 प्लस की आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा। हाँ हाँ, तो इंस्टाग्राम पे अभी किसने नहीं किया है कर लो जाके फॉलो। और बुलबुल मैम आपकी रिस्ट पे टैटू है क्या, लिखा क्या है, स्क्रीन पे शो कर दो क्या लिखा है। पे जो टैटू है उस पे लिखा है वाइल्ड एंड फ्री, वाइल्ड एंड फ्री जो इसका नेचर है, और साथ ही में वाइल्ड एंड फ्री के एंड में एक हार्ट बना हुआ है उसमें ए लिखा हुआ है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अंकिता उसके नाम का है। अच्छा, तो उसके साथ ही बनवाया था टैटू? हाँ उसके साथ में बनवाया था। वाओ, तो वाइल्ड एंड फ्री इसका नेचर भी ऐसा ही है, वाइल्ड है एकदम, कुछ भी बोल देती है, किसी को भी मतलब किसी को नहीं छोड़ती है ये। सही बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल। क्वेश्चन है ए जे, माय क्वेश्चन टू बुलबुल, व्हाई द साइज ऑफ योर ग्लासेस आर लार्जर देन योर फेस? बिकॉज ऑफ लाइटिंग। हाँ यार, यहाँ पर ये इतनी लाइटिंग्स है ना, बहुत ज्यादा आंखों पे बहुत बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसने बहुत बड़ा गोगल पहन लिया, साइड से भी लाइट नहीं अंदर आना चाहिए। मेरी आंखें पहले बहुत छोटी और वो लाइट जैसे ही ऑन होती है मेरी आंखें और छोटी हो जाती है। हाँ, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा बुलबुल ने ग्लासेस पहने थे, तो वो इसीलिए बड़े वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैमा यूसुफ का, इन्होंने पूछा है आप दोनों यूट्यूब के अलावा क्या करते, तो हमने ये तो बता ही दिया है, आप वीडियो रिवर्स करके देख लो नहीं देखा तो। कनीज मेहंदी मेहंदी का क्वेश्चन है, रेहान क्या आप टूथपेस्ट में नमक है? जवाब दो नहीं। सच में मैं कल ही लेके आया हूँ कोलगेट नमक वाला, सच में कल ही लेके आया हूँ, बहुत सारा घर का सामान लाया हूँ तो कोलगेट भी लाया हूँ नमक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावल अली का, यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर लेते हो? देखो ये क्वेश्चन जो है यूट्यूब की एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है ये आपकी अपनी अर्निंग्स बताना, बट हाँ अगर मैं बात करूँ अर्निंग्स की तो समझ लो आप अभी जो MI का K20 Pro लॉन्च हुआ है ना, इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसकी जो प्राइस है ना उतनी अर्निंग हम कर लेते हैं, अब आप समझ लो कितनी कर लेते हैं। तलहा सिद्दीकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप गेमिंग वीडियोज़ पर रिएक्शन क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते यार क्योंकि लोग पसंद ही नहीं करते हमारा रिएक्शन गेमिंग वीडियोस पे देखना, कोई व्यूज़ ही नहीं आते। हमने करे एक दो डक्की भाई के वीडियोस पर, बट व्यूज़ बहुत मतलब 2-3 हज़ार व्यूज़ से ज़्यादा नहीं आए, तो हमने फिर छोड़ दिया क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलबुल क्या जॉब करती हैं, एज क्या है? मैं जॉब BPO सेक्टर में करती हूँ, कॉल सेंटर में, और एज तो मैं बता ही चुकी हूँ 23। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सैफ अली का ये क्वेश्चन था बुलबुल आप क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस खान का, एम ब्रोज रेहान सच में आपकी इंगेजमेंट हो गई है?
हाँ सच में मैं कोई मजाक थोड़ी ना करूंगा ऐसा, हम किसको किस लड़के को मजा आएगा कि वो बोले कि उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है। सही है ना, किस सीरियसली लड़के को मजा आएगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पेंट नो पेंट, बुलबुल आपकी एज, हाँ बता दिया ये भी। सईद एम मुर्तज़ा, भाई रेहान भाई स्वीडन आना चाहोगे? मैं तो यार पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ यार, बस पैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महविश हनीफ का, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मंसूरी? मीनिंग तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है मेरा सरनेम है मंसूरी। सरनेम के भी मीनिंग्स होते हैं क्या? हाँ शायद होते हैं, हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान खान का, रेहान भाई आप यूट्यूब चैनल के अलावा क्या करते हो? आप इंडिया में कौन सी सिटी में रहते हो? बुलबुल आप क्या करती हैं? आपके ब्रदर एंड सिस्टर कितने हैं और क्वालिफिकेशंस क्या है? बस थैंक यू। तो यूट्यूब चैनल के अलावा हमने बता ही दिया क्या करते हैं, सिटी जो है हम दोनों इंदौर में रहते हैं। बुलबुल आप क्या करती हैं? बुलबुल ने बता ही दिया है। तुम्हारे ब्रदर सिस्टर कितने हैं बुलबुल बताओ? मेरी एक एल्डर सिस्टर है और मेरा एक यंगर ब्रदर है। क्वालिफिकेशंस क्या है? तो क्वालिफिकेशंस मैंने बीए किया है, उसके बाद मैंने स्टडीज़ को लात मार के भगा दिया। इंटरेस्ट वीडियोस में आ गया है। और मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। चल रहा है अभी फाइनल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली हाशिम का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार रेहान भाई आपकी, आपने 2x वीडियो बनाई थी, आपने वो वीडियो डिलीट क्यों कर दी? बहुत ढूंढी नहीं मिली। X2 मुझे याद नहीं है, मैंने X2 कौन सी वीडियो थी ये मुझे याद नहीं है। हालांकि मैं डिलीट तो कोई भी वीडियो नहीं की है, ये ज़रूर हो सकता है कि उस वीडियो के जो ऑनर है उन्होंने वो वीडियो ब्लॉक करवा दी हो, ये ज़रूर हो सकता है, बाकी मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसनीजा मीर, सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, हमें आदत नहीं है। तो ये क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन, और इतने सारे क्वेश्चन है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मुझे अगर एक्टिंग वाइज बात करें तो सबा कमर मुझे बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग। एक्टिंग सबा कमर जो है ना वो उसमें थी ना हिंदी मीडियम में, इरफान खान हाँ, की मूवी हाँ, हिंदी हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। बुलबुल ने आज तक कोई पाकिस्तानी मूवी नहीं देखी ना सीरियल देखा है, तो सॉरी तू तो बता ही नहीं पाएगी फेवरेट एक्ट्रेस। फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका, दीपिका और क्रश मटेरियल के हिसाब से दिशा पाटनी। और तेरी बता? मेरा दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लव। प्रियंका चोपड़ा की बड़ी पंखी है ये। पंखा। पैन। फेवरेट हॉलीवुड एक्ट्रेस, हॉलीवुड देखती है तू? नहीं देखती तो हैरी पॉटर तो देखी होगी। बस वही होगी इसकी, एमा वाटसन। मुझे क्रिस्टीन स्टुअर्ट बहुत पसंद है पर्सनली। फेवरेट सॉन्ग, सॉन्ग यार अभी मुझे एक सॉन्ग है वो दरिया, मुझे नहीं जाना उस पार आया रांझा मेरा, बार बार देखो मूवी का, मुझे बहुत पसंद। अभी अभी करंट में मेरा फेवरेट यही है, 2 साल से सुन रहा हूँ, अभी तक बोर नहीं हुआ। तुझे कौन सा पसंद है? मेरा फेवरेट सॉन्ग अभी न्यू मूवी में जो आया कबीर सिंह का बेख्याली। हाँ बाकी तो चेंज होते रहते सॉन्ग्स। हाँ। टॉप 3 फेवरेट यूट्यूबर्स, अब इन्होंने इंडियन पूछा या पाकिस्तानी ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इंडियन में बता देता हूँ, पहले इंडिया में टॉप 3 यूट्यूबर्स, एक है टेक्निकल में है एक गोगी टेक, गोगी टेक जो फ़ोन्स के रिव्यू करते हैं वो मुझे उनके रिव्यूज़ बहुत पसंद है। एक है भुवन बाम, एक कैरी मिनाटी, एक और पाकिस्तान में डक्की भाई हो गए, रजा सामो हो गए, और एक चैनल है द वाइट साइड, जफ़र भाई, आई थिंक उनका नाम जफ़र भाई है, वो भी बहुत पसंद है मुझे। और एक और चैनल है देखो सुनो जानो, वो भी बहुत अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बनाते। तो ये 4 चैनल मुझे पाकिस्तान से पसंद है। तू बता आप? सेम। हाँ इंडिया में तो सेम है, पाकिस्तान में भी 2 सेम ही है, डक्की भाई और हाँ, रजा सामो, बाकी हाँ, इसने देखे ही नहीं है। बाकी नहीं। समीना आरिफ, रेहान साहिल फैज़ान और बुलबुल के घर का टूर कराओ, सबकी फैमिली से मिलवाओ। यार हम ये हमने सोचा है व्लॉग चैनल बनाएंगे एक, और व्लॉग चैनल में हम हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों से शेयर करेंगे। sure. तो बहुत जल्द आएगा वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदफ अली, रेहान आपकी और साहिल भाई की फ्रेंडशिप
यूट्यूब की वजह से हुई थी या पहले से ही दोस्ती थी? यार हम बचपन से साथ हैं, हम कज़न्स हैं, बचपन से हम साथ में, मतलब फ्रेंडशिप बचपन से ही हमारे साथ में ही रहते हैं बचपन से। आई जस्ट वॉन्ट टू सी के इंडिया में लोग ईद कैसे मनाते हैं। इस ईद पे व्लॉग का प्लान, कोई प्लान है? अगर नहीं तो बना लें। हाँ, ईद ईद इंडिया में कैसे मनाते हैं? जैसे सब जगह मनाते वैसे इंडिया में मनाते, कोई अलग रूल थोड़ी ना है इंडिया के लोगों के लिए। इंडिया में ईद सब मतलब वैसे ही बनती है यार, ईद उल अज़हा सबको पता ही है आप सबको। और ईद में इतना काम रहता है ना कि व्लॉग बनाने का मुझे नहीं लगता मुझे टाइम मिल पाएगा। बिल्कुल नहीं मिल आप सबको पाएगा। पता है कि कितना ज़्यादा काम रहता है ईद उल अज़हा पे। तो व्लॉग कोशिश करूँगा फिर भी, इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज़ अपलोड करूँ तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे। व्लॉग का मैं पक्का नहीं बोल सकता लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी ज़रूर आएंगी ईद उल अज़हा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब सोबान राणा। बुलबुल हाउ डिड यू गॉट द आइडिया ऑफ यूट्यूब? एक सेकेंड यार, लाइट बंद हो गई थी। बुलबुल हाउ डिड यू गॉट द आइडिया ऑफ यूट्यूब एंड स्पेशली रिएक्शन चैनल एंड सेम टू रेहान ब्रो? बाय द वे लव योर वीडियोज एंड राउंड टू हेल के चैनल पर रिएक्शन करो। राउंड टू हेल राउंड टू हेल एक इंडियन यूट्यूब चैनल है, दिल्ली के कुछ लड़के हैं, बहुत फेमस चैनल है, 6 to 7 million सब्सक्राइबर उनके। तो यूट्यूब चैनल का, रिएक्शन चैनल का आइडिया मुझे आया था, बुलबुल को नहीं आया हाँ था। मुझे रिएक्शन चैनल का आइडिया इसलिए आया क्योंकि मुझे खुद रिएक्शन वीडियोस देखना बहुत पसंद था। मैं देखता था वीडियोस जेबी कोए के, जो कि इंडियन वीडियोस पर, यूएसए से है वो इंडियन वीडियोस पर रिएक्शन करते थे। और रिसेंटली मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है वो भी इंडियन वीडियोस पर रिएक्शन दे रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना हम भी पाकिस्तान के बारे में देखें। तो हमने सोचा यार ये पाकिस्तान के लोग हमारे वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें भी इनके वीडियो पर रिएक्शन करना चाहिए। और ये आइडिया इसने मुझे शेयर करा और हमने स्टार्ट कर दिया साथ यस। में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबी शाह। आप और बुलबुल कज़न हो या फ्रेंड्स? लव फ्रॉम पाकिस्तान। वी आर फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स हैं। नॉट कज़न्स। आस्क एम्ब्रोज। आमिर खान का क्वेश्चन है बुलबुल व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश एंड डू यू वांट डू यू नो कुकिंग? हाँ कुकिंग तो मैं जानती हूँ, करती भी हूँ कभी सभी। और मेरी फेवरेट डिश, ऑल टाइम फेवरेट यार सबका, दाल चावल यार। वेजिटेरियन लोगों से ना फेवरेट डिश पूछना ही नहीं चाहिए। सच में भी मेरा तो फेवरेट है ऑल टाइम दाल चावल। दाल चावल तो हम तब खाते जब हमारा पेट खराब ऐसे मत बोल यार। रहता। रोमैसा खान की टिकटॉक वीडियो पे रिएक्शन करो। इट्स कासिम का क्वेश्चन है। रोमैसा खान की वीडियो पर हम करने वाले, अभी शूट करने वाले, ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद रोमैसा खान। इरफान संजरानी। बुलबुल अच्छी लड़की है। थैंक यू इरफान, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू हैव क्लियर द थिंग। द उमर टीवी। बुलबुल आपका पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान पसंद है? ऑफ बोलो बुलबुल। कोर्स मुझे पाकिस्तान पसंद है। वहाँ के लोग जितनी लड़कियों से इज्जत से बातें करते हैं, हम आप तुम करके कभी भी तू करके बातें नहीं बड़े करते सलीके से हैं, बात करते बहुत हैं। सही सलीके से बातें करते हैं। और पाकिस्तान मुझे इस वजह से भी पसंद है क्योंकि वहाँ की जो प्लेसेस हैं, नेचर प्लेसेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ की प्लेसेस। कुछ वीडियोस दिखाए ना इसको मैंने, नॉर्दर्न हाँ एरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीम जानी का। यार कनिका कहाँ गई? कनिका यार मॉडलिंग करती है ना, तो कनिका को अभी हमारी सिटी में से गायब है वो, कहीं कहाँ जाती है, मतलब बाहर ही रहती है वो ऑलमोस्ट। अभी सूरत में है, सूरत में वो मॉडलिंग कर रही है। तो मॉडल्स लोगों को आपको पता ही है, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र वर्ल्ड। क्या आप इंडिया के कुछ सिटी या टूरिज्म वीडियो को भी दिखाओ हमारे पाकिस्तानी भाइयों को? मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारा इंडिया देखें। ये इंडियन है। हाँ तो भाई हम ज़रूर इंडियन वीडियोस पर रिएक्शन करेंगे, लेकिन हमने उसके लिए एक दूसरा चैनल बना रखा है जिसका नाम है एम्ब्रोज इंडिया। तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर हम ज़रूर कुछ सिटीज़ पर विज़िट करेंगे। और उस हम इस चैनल पर इसलिए इंडियन वीडियोस नहीं अपलोड करते क्योंकि क्या है ना, इंडियन और पाकिस्तान जब कमेंट बॉक्स में मिलते हैं ना तो इतनी
गर्मा गर्मी होती है। हाँ तो हमें नहीं चाहिए था, इससे मतलब बड़ी रिपोर्ट भी होती फिर चैनल पे, तो गलत इफेक्ट पड़ता है उसके लिए, इसलिए हमने एम्ब्रोज इंडिया ने अलग चैनल बनाया है। वहाँ भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी लोग देख लेते हैं, जिनको इंडिया में इंटरेस्ट है वो एम्ब्रोज इंडिया पे सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयान शाह, बुलबुल आप इतनी क्यूट क्यों हो? पहली गर्ल होगी इंडिया में जिस पे क्रश हुआ हमें, FB ID दे दो, Facebook ID। पहली बात फेसबुक आईडी फेसबुक में यूज़ नहीं करती हूँ, इंस्टाग्राम करती हूँ। इंस्टा यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादा। और मैं क्यूट क्यूट क्यों? क्यों कल पूछ के आना ये मम्मी पापा हाँ से मम्मी पापा से पूछ के आई मम्मी फिर पापा से बताइए। पूछ कर आना पड़ेगा मुझे। बाय द वे थैंक यू, क्या नाम हाँ नाम है इनका अयान है? शाह। थैंक यू आयांशा। किलर गेमिंग रेहान ब्रो प्लीज़ टेल मी अबाउट द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ योर चैनल लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो भैया हम थे एकदम जॉबलेस, एकदम वेले, बेरोजगार बोल बेरोज़गार थे हम, सकते और हमको रिएक्शन वीडियोस देखना बहुत पसंद था, जैसा कि अभी मैंने बताया कि रिएक्शन वीडियोस देखना मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने इसीलिए रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया। और मैंने पहले सर्च किया कि यार पाकिस्तान पर कोई रिएक्शन, इंडिया का बंदा रिएक्शन करता है या नहीं करता है, तो फिर मैंने सर्च किया तो पहला एक ही बंदा दिखा मुझे, वन एंड ओनली, वो था मयंक, इंडियन रिएक्शन से मयंक। तो मैंने उसका देखा यार, उसने दो तीन ट्रेलर पर रिएक्शन किया, उस टाइम नई नई मूवी आई थी ना मालूम अफराद एंड पंजाब नहीं जाऊंगी, ये दो तीन मूवी नई आई थी, तो इन मूवीज़ पर पहला रिएक्शन जो था हमारा पंजाब नहीं जाऊंगी मूवी पर था। और वो वीडियो को पहली बार मैंने पहला वीडियो डाला और मुझे रात भर में सुबह उठकर देखा तो मुझे 1,000 व्यूज़ आ चुके थे उस पर, वाओ। और सब्सक्राइबर भी मुझे कुछ 10-20 सब्सक्राइबर मिल गए थे। तो फिर उस पर कमेंट आने लगे लोगों के कि यार ना मालूम अफराद पे रिएक्शन करो, और भी पता नहीं कौन कौन सी मूवीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, तो फिर हमने ना मालूम अफराद पे कर दिया रिएक्शन। फिर और कमेंट आने लगे इस पे करो उस पे करो, तो ऐसे कर करके ना हम चैनल हमारा ग्रो हो गया। पहले वीडियो में हमें इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों से कि मतलब मज़ा ही आ गया, और उस वीडियो की क्वालिटी इतनी घटिया थी, मोबाइल से शूट किया था मैंने, उस टाइम कुछ था तो था ही नहीं मेरे पास, मोबाइल से शूट किया था, इतनी घटिया क्वालिटी थी, लेकिन फिर भी उस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, शेयर किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशन खालिद, गाइस डू यू हैव एनी प्लान टू विजिट पाकिस्तान? वो हमने बता दिया है, इफ़ यस देन प्लीज़ डू विजिट पेशावर, मेहमान नवाजी का मौका दें। पेशावर के लोग पाकिस्तान में पता है सबसे ज़्यादा मतलब मेहमान नवाजी के लिए फेमस है, वहाँ पर जाओगे ना तो तुम्हारे सर पर गन रखेंगे और बोलेंगे खाना खा नहीं तो गोली मार दूंगा मजाक कर रहा हूँ। बाकी मेहमान नवाजी उनकी इस लेवल की होती है कि मतलब करवा के छोड़ते हैं, जो खाना आपको खाना ही पड़ेगा, आपको कहाँ ले जाएंगे, कहीं घुमाने ले जाएंगे। मैंने अब देखा है हॉस्पिटैलिटी ऑफ पठान्स करके एक वीडियो था, उस पर रिएक्शन दिया था हमने, उसमें देखा था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली, रेहान भाई आप कितने भाई बहन हो? मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है, हम सिर्फ दो भाई है, बहन कोई नहीं है, कज़न सिस्टर बहुत सारी है, जो बहन की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होने देती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोइज़ माज, बुलबुल को कुकिंग आती है, बता दिया। मोइज़ माज का एक और क्वेश्चन है, आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन सा एडिटर ऐप यूज़ करते हो, और वीडियोस को किन एडिट, हाँ सॉरी बस इतना ही है। तो कैमरा हम कैनन का यूज़ करते हैं 200D, उसमें 50 mm का लेंस हमने लगाया हुआ है, और माइक माइक भी बता देता हूँ आपको, पूछने वाले हो गए आप भूल गए होगे माइक जो है बोया का BY-M1, जो सभी यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइन मास्टर प्रो यूज़ करते हैं हम, या फिर जिसे किने मास्टर भी प्रो भी कहते हैं कुछ लोग। इसे आप, मैं फ़ोन में एडिटिंग करता हूँ, फ़ोन में आप ऐसा है कि कहीं भी आप बैठकर एडिटिंग कर सकते हो, लैपटॉप से मैं बिल्कुल एडिट नहीं करता हूँ, फ़ोन में ही एडिट करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो बस यही है, बता दिया। आपको पाकिस्तान में क्या अच्छा लगता है, इनका ये भी क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट यही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो जिस तरह आपको ट्रीट करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिस तरह से
बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं ना, जो हमें मैसेज भी आते हैं बहुत प्यार से, हॉस्पिटैलिटी कमाल है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम चौधरी का, सलाम इट्स फर्स्ट एवर कमेंट ऑन एनी यूट्यूब चैनल। ओ इनका फर्स्ट कमेंट हमारे वीडियो पे, वाओ। फरहान भाई, मतलब मेरा नाम रेहान है भाई, फरहान लिखा है इन्होंने, यू आर लव, योर वे टू टॉकिंग एंड योर रिएक्शन आर रियली गुड, थैंक यू सो मच, नो क्वेश्चंस बट वन मोर थिंग इज पाकिस्तान आने कभी आई विल श्योर वन मीट यू एंड योर होल टीम, जब भी आएंगे वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आप लोगों को। शाह टीवी, रेहान व्हाई आर यू नॉट रिएक्टिंग ऑन द वीडियो व्हाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, आई हैव रिक्वेस्टेड सो मच। तो बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से बहुत सारे वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम रिएक्शन कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। क्योंकि यार ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी जो नए वीडियोस आ जाते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोस जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, उन पर रिएक्शन कर देते हैं, या मेजॉरिटी में ज़्यादा जिसकी रिक्वेस्ट आती है उस पर हम रिएक्शन कर देते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपका कमेंट हमें देख नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप 300K पर पाकिस्तान आएंगे? वी कांट प्रोमिस। साहिल अदील का क्वेश्चन है, हम कमिटमेंट अभी कुछ नहीं कर सकते, सलमान खान ने हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद फराज का, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, पाकिस्तानी एक इंडियन, वो हमने अभी बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फजल जमाल, मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप हमको अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ। बैकग्राउंड ये वाला? हाँ। और कौन सा? फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या बताऊँ, हम सिर्फ 3 लोग हैं, है ना, यही बता सकते हो, और क्या बता सकते, ये 4 है मेरी फैमिली में, 4 है। हाँ, बैकग्राउंड लाइक पूछने क्या चाहते कि फैमिली वाले क्या करते हैं, ये पूछने चाहते हैं। हाँ, मुझे यही लग रहा है, वो आप फिर कभी बताएंगे, अभी हमें समझ में नहीं आया। हाँ। इस बैकग्राउंड की बात करो या फैमिली? हाँ। फैमिली में बताई, हम 3 मेंबर है और ये 2 मेंबर है, सॉरी 4 मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली शाह का, आप इंडिया की कहाँ से हो? इंदौर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्बू खान का, बुलबुल आपकी क्या लगती है? दोस्त एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है इस दुनिया में, दोस्त सबसे बढ़िया रिश्ता होता है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी मतलब बहुत सारे बाकी हैं और हम सबके आंसर्स करेंगे तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, जो हम चाहते नहीं आप लोगों को इतना बोर करना। तो हम नेक्स्ट Q&A करेंगे, उसमें हाँ। आपके बाकी के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो आज के जो क्वेश्चन आपने किए हैं ना, वो जो भी क्वेश्चंस है उसको आप डबल रिपीट मत करना नेक्स्ट Q&A में, वो हम अनाउंस करेंगे जब भी करना होगा। तो आप बताइए अभी आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे आंसर्स रियल लगे या फेक, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट Q&A किस किस को चाहिए कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।